हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। पता नहीं क्यों इस वीडियो को बनाने में इतनी ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं। पहले तो ये सब्जेक्ट मुझे देखने के बाद ऐसे लगा कि जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं होता, इतना गंदा सब्जेक्ट है। ऊपर से यार नोट्स बनाने में दिक्कत हो गई, उसके बाद अब देखो गली में ना शादी चल रही है और गाने चल रहे हैं और लेक्चर रिकॉर्ड करना अभी बहुत ज़रूरी है। बट इनके गाने तो बंद होंगे नहीं, तो प्लीज़ आप लोग मेरी वॉइस पर गौर कीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ मैं वीडियो अपनी तरफ से बेसिक रखती हूँ, बट जो ना टॉपिक्स हैं उनको मैं कम नहीं कर सकती। जैसे कि चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पिछले सालों में आ रखे हैं तो हम उनको अवॉइड नहीं करेंगे, हम उनको करेंगे। बट मैं आपको ऐसे वे में, तरीके से, ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि आपको क्वेश्चन को लर्न नहीं करना है, क्वेश्चन समझ के ऑटोमेटिकली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखा करो यार। आपकी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि दीदी क्वेश्चन कम रखो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मैंने कैसे तैसे करके कम कर दिए, बट हर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा। स्पेशली ये वाला सब्जेक्ट जो कि इतना ज़्यादा गंदा सब्जेक्ट है ना, मेरा मतलब जैसे कहते हैं ना नेशी लगी हुई थी आज जब मैंने इसको पकड़ा। तो मतलब इसके देखो क्वेश्चंस देखो पहले तो कैसे आए हैं एग्जाम्स में पिछले 5 सालों के। फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूसली हर साल में आ रहा है, पर फर्स्ट चैप्टर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। हर साल में एक नया क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे के थे चैप्टर एक में से एक ही क्वेश्चन बनना चाहिए, बट आई कैन वट कैन आई डू यार, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर हम चैप्टर 3 पिक करते हैं तो चैप्टर 3 का ऐसा है कि कभी कभी वो 3 चैप्टर जो है ना 8 मार्क्स में चला जाता है। फिर आपका 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं निकलना था यूनिट से, क्योंकि 3rd चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि मतलब जैसे पेपर में ऑप्शन करके क्वेश्चन ही डाल देते हैं कि इन दो फॉलोइंग्स का आंसर दो। एक क्वेश्चन 3rd में से डाल देते हैं, एक 3rd 2nd में से डाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो आपके साथ मैं सिर्फ एक ही चैप्टर डिस्कस करूँगी, बट उसके क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं हमें वो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं अपनी कोशिश करूँगी बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में समझाऊँ, तो आप मेरी बातें सुनोगे तो समझ आ जाएंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होएगी बट आपको क्लियर हो जाए। पहले आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस की मेजरमेंट, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट और बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बिजनेस क्या होता है? एक बिजनेस। और कॉर्पोरेट क्या होता है? कि बिजनेसेस का भंडार जिसमें सारी छोटी छोटी कंपनीज अलाइन हो जाती हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और फर्स्ट वन इज़ बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। CPM क्या होता है? कि ये इवेल्यूएट करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को कॉर्पोरेशन की, पूरी होल कॉर्पोरेशन पे फोकस करता है, उसके स्ट्रेटेजिक गोल्स, फाइनेंशियल हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सब कुछ देखता है। और जो बिजनेस का हमारा परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो फोकस करता है असेस करने पे स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस ऑपरेशंस को और डे टू डे एक्टिविटीज़ को, ताकि वो हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर पाए। आई होप आपको कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजर कैसे क्या है और बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि अटेंशन 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 गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी ने भी मिस कर दी तो आप लोग ये नहीं बोलना कि दीदी ने बताई नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी ऐड हैं, कुछ बच्चे हैं जो हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट किए हैं। गाइस, हमारे टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए ग्रुप क्रिएट किया गया है, एक चैनल क्रिएट किया गया है, एक पब्लिक ग्रुप है और एक प्राइवेट ग्रुप है। पब्लिक ग्रुप आप में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है। प्राइवेट ग्रुप का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमारे चैनल की एक सब्सक्रिप्शन है जो कि सिर्फ 59 रुपीज़ है, यानी कि 59 रुपीज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट, एक ही बार पे करने हैं 59। सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़, उनकी नोट्स आप तक पहुंचाए जाएंगे उस ग्रुप के थ्रू। अगर आप उसको पे करके ज्वाइन कर लेते हो तो आपको मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मुझे वहाँ मैसेज कर दीजिए कि दीदी हमने सब्सक्रिप्शन ले ली है, तो मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगी। उस ग्रुप में आपको नोट्स, जो भी प्राइवेट वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि यूनिट 1-2 तो आपने पब्लिक देख लिया, 2-3 जो 3-4 यूनिट है वो पब्लिक नहीं रहेगा और ये सब्जेक्ट बहुत गंदा है, तो आई थिंक आपको 3-4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग प्लीज़ उस मेंबरशिप को ज्वाइन करें और मुझे इन्फॉर्म कर दें, मैं फटाफट आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। जैसे ही यूनिट 3-4 आएगा आप उसको असेस कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट, आई होप यू लाइक दिस। बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है, इसके वेरियस मैट्रिसेस यूज क्या हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए और आइडेंटिफाई करने हैं इसके पर्पसेस जिसके थ्रू इसको यूज़ किया जाता है। 2019 का क्वेश्चन है, बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जो कि असेस करता है, मॉनिटर करता है, एनालाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। जो भी उसने उसके कंपनी के लिए अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं ना, उसके बदले में और उसको चेक करता है कि प्रोसेस सही चल रहा है, गलत चल रहा है, एनालाइज करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है, भाई आप इवैल्यूएट करो आपकी सक्सेस कहाँ तक पहुँची, आपने जैसे गोल्स को अपने सोचा था क्या आप उस तरीके से अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो।
तो बिजनेस परफॉर्मेंस अगर हम मेजरमेंट करते हैं, अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, तो इसकी क्या पर्पस हो सकती है? हम अपनी पर्पस मतलब क्या पर्पस है बिजनेस की परफॉर्मेंस को हम कब मेजर करते हैं, क्यों मेजर करते हैं, किसके लिए मेजर करते हैं, पर्पस क्या है? हम अपनी सक्सेस को इवेल्यूएट करना चाहते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे हम लोग अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग वीक हैं, कहाँ पे हम और सुधार कर सकते हैं। ये हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, हमारी अकाउंटेबिलिटी को इन्हेंस करता है कि इंडिविजुअल्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो पाएँ, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले पाएँ, और कंटिन्यूसली हमें मतलब इम्प्रूवमेंट करने के लिए बूस्ट करता रहता है कि आप इम्प्रूवमेंट्स करो, प्रमोट करो कंटिन्यूसली। तो इसके की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस इसके बहुत सारे हैं, मतलब यहाँ पे बताए गए हैं, कैटेगराइज है फाइनेंशियल, कस्टमर फोकस। तो फर्स्ट मैट्रिस है फाइनेंशियल मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिस है ये हमें बताता है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, हमारी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको की परफॉर्मेंस मैट्रिसेस बताने हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस स्पेशल मेजर्स जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में। बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। पहला एस्पेक्ट देखते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा बिजनेस कैसे काम कर रहा है, कि कैसी हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ है। ठीक है, हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ ऐसे पहलुओं को देखेंगे ना जिससे हमें पता चलेगा कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है। पहला फैक्टर देखेंगे हम, इसको फैक्टर भी बोल सकते हो, फाइनेंशियल फैक्टर। तो इससे हमें पता चलेगा हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कितनी हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, क्या क्या उसका पर्पस है, हमारा प्रॉफिट का मार्जिन क्या है, हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिल रही है। ठीक है, कि हम कितने इन्वेस्टमेंट जनरेट कर पा रहे हैं और क्या हमारी कॉस्ट एफिशिएंसी है। सेकेंड, हम हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन सा फैक्टर देखेंगे, कस्टमर फोकस्ड मैट्रिक्स, कि हमारा कस्टमर हमारे काम से कितना सेटिस्फाई है, कस्टमर सेटिस्फाई स्कोर उसका क्या पर्पस है, नेट प्रमोटर स्कोर यानी कि गोजीज या लाइकलीहुड कस्टमर रेकमेंड करता है कि बिजनेस को अदर्स को, और कस्टमर रिटेंशन रेट की कस्टमर कितना रिटेन करता है यानी कि वापस हमारे ही पास आता है। उसके बाद मार्केट के शेयर्स। थर्ड कौन सा फैक्टर है, इंटरनल प्रोसेस मैट्रिक्स, की इंटरनल साइकिल कैसा है हमारे बिजनेस का। यही ना वो हमारी कंपनी के अंदर ले बंदों में ही झूल हो जिसकी वजह से हमारा बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही। तो बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए थर्ड फैक्टर क्या आता है, इंटरनल प्रोसेस मैट्रिक्स, इसको मैट्रिसेस बोल सकते हो। फर्स्ट हम अंदर देखेंगे हमारे इंटरनल साइकिल कैसे चल रहे हैं, एरर के रेट्स क्या हैं, कितनी गलतियां कर रही हैं, कितनी वेस्टेज को हम लोग ख़राब कर रहे हैं सामान को, इन्वेंट्री स्टॉक की क्या टर्नओवर है, ऑपरेशन की क्या एक्टिविटी है। फोर्थ हम कौन सा फैक्टर देखेंगे, लर्निंग और ग्रोथ मैट्रिसेस, कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितना लर्न करना चाहते हैं, कितना ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, या वही घसीपिटी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ की कितनी इंगेजमेंट है, कितनी ट्रेनिंग में इफेक्टिवनेस है, कितना उनका इनोवेशन का रेट है, सब कुछ देखेंगे। अब ये देख लिए कि कौन से फैक्टर्स का हम यूज़ करते हैं हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। सेकंड है फ्रेमवर्क फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कौन से फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है। ऊपर तो हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे, अब उन फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए किस मेथड का यूज़ करेंगे, फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे मेजरमेंट करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ बैलेंस स्कोर कार्ड, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिसका हम यूज़ करते हैं, हमारे फाइनेंशियल कस्टमर्स का यूज़ करते हैं इंटरनल प्रोसेसेस, लर्निंग्स, मैट्रिसेस को एवेल्यूएट करने के लिए। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये पूरी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को एक स्ट्रेटेजिक गोल में अलाइन कर देता है। तो आपको एक बैलेंस स्कोर कार्ड, जैसे आपका स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनता है वैसे ही बिजनेस का स्कोर कार्ड बनता है। सेकेंड, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, ये स्पेसिफिक क्वालिफाइबल मैट्रिक्स यूज़ करते हैं ताकि वो आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएँ आपके ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट, कि आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि आप उसको पूरा कर पा रहे हो। थर्ड वन इज़ बेंचमार्किंग, कंपेयर करते हैं हम हमारी परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द इंडस्ट्री के साथ या हमारे कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो ये थर्ड है बेंचमार्किंग, किन किन तरीकों से हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। फोर्थ है परफॉर्मेंस का डैशबोर्ड, विजुअल टूल्स को देखेंगे, रियल टाइम आपके परफॉर्मेंस के डाटा को देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिनके थ्रू हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपकी स्ट्रेटेजी इंप्रूव होगी, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी और कंटिन्यूसली आप इंप्रूव करते जाओगे। तो गाइज यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म, जो कि था बिजनेस परफॉर्मेंस को हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है,
तो गाइज उसके बाद देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अभी हमने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर किया, बिजनेस कौन होता है, सिर्फ एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट क्या होता है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। ये कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। अब आपको इसकी नीड्स या हाइलाइट्स को बताना है, पॉइंट्स आप ऊपर वाले भी कहीं ना कहीं इसमें लिख सकते हो, बस आपको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसा ही है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करोगे, हाईलाइट करो उसकी क्या नीड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कि आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को करंट टाइम में कैसे मैनेज कर सकते हो। कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट रेफर करती है उस प्रोसेस या उस टूल को जिसमें सिस्टम यूज़ करता है मोनिटर, एनालिसिस करना, एवेल्यूएट एंड ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी स्ट्रेटेजिक के अगेंस्ट, ठीक है। इसमें इन्वॉल्व होता है मेजर करना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को हम इसमें देखते हैं। तो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को मेजर करने की क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्यों करना चाहिए, ताकि हम हमारे गोल्स को अलाइन कर पाएँ, स्ट्रेटेजीज को सेट कर पाएँ, हमारी सक्सेस को इवेल्यूएट कर पाएँ कि कहाँ तक पहुँची है, आइडेंटिफाई कर पाएँ हमारी कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेसेस है, डिसीजंस ले पाएँ, न्यू मार्केट के चेंजेस को अडेप्ट कर पाएँ, हमारी सेम ऊपर वाले पॉइंट्स आ रहे हैं देखो, अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएँ, इंश्योर कर पाएँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएँ, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट को प्रमोट कर पाएँ। एग्जैक्ट हेडिंग्स वही हैं, टॉपिक चेंज हो गया बिजनेस परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, आपका यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे टॉपिक पे कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे। आई होप आप लोगों को क्लियर है इंपॉर्टेंस क्या है, कि हमें स्ट्रेटेजी अलाइन करके दे देता है, इन्हेंस करता है कि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में आए, ट्रैक करता है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और इम्प्रूव करता है, इनकरेज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करें, रिस्क को मैनेज करने के बारे में बताता है, बूस्ट करता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को और अचीव करता है हमारी ऑपरेशनल एक्सीलेंस को। की एरियाज़ क्या हैं कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के, की एरियाज़ यानी कि हमने ऊपर भी देखे थे की एरियाज़ जहाँ पे ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेगा, सेकंड देखेगा कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं है, थर्ड देखेगा कि हमारे ऑपरेशंस इंटरनल साइकिल कैसा चल रहा है, फिर देखेगा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है, इनोवेशन और ग्रोथ कितनी हो रही है। ऊपर वाले पॉइंट्स की ही हेडिंग अगेन है। कौन से टूल्स और फ्रेमवर्क का यूज़ होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करना, अगेन पॉइंट्स वही हैं, बस आपको लिंक कर देना है टॉपिक के साथ, यहाँ पे कॉर्पोरेट है वहाँ पे बिजनेस, आई होप आप लोग कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन, इलैबोरेट कौन सा है, इलैबोरेट ऑन द टेक्निक्स टू मेजर एंड इन्हेंस प्रॉफिटेबिलिटी टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, की कैसे आप इन्हेंस कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, उसकी आपको कुछ टेक्निक्स बतानी है। तो क्वेश्चन 2022 का है, तो आप इन्हेंस कर सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी टू मेजर एंड इन्हेंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बिजनेसेस वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ये टेक्निक्स इंश्योर करती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैक्सिमाइज कर सके उसके प्रॉफिट को और कस्टमर को बेस्ट चीज़ डिलीवर कर सके। तो कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया गया है, पहले क्या है कि टेक्निक्स टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, टेक्निक्स बतानी है जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं और क्वालिटी को, ठीक है। पहले प्रॉफिटेबिलिटी की टेक्निक्स बता रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की टेक्निक्स क्या है कि कैसे हम प्रॉफिट को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट हम प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस के थ्रू हमारे प्रॉफिट को मेजर कर सकते हैं। दिस मेजर हाउ मच प्रॉफिट इज जनरेटेड, कि कितना प्रॉफिट हमें जनरेट हुआ है सेल्स करने के बाद। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला दिया गया है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितने हमारा इनकम या रेवेन्यू हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100। तो एग्जांपल के थ्रू दिखा दोगे। सेकंड हमारी टेक्निक क्या है जिसके थ्रू हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये आइडेंटिफाई करती है वो पॉइंट जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू इक्वल हो जाता है हमारी टोटल कॉस्ट के, और उसके ऊपर जितना जाता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो जब वो इक्वल हो जाता है तो मीनिंग बिजनेसेस ने ना कोई प्रॉफिट कमाया ना कोई लॉस कमाया। जैसे कि एक बेकरी है वो कैलकुलेट करती है कि उसको 500 केक्स पर मंथ सेल करने हैं उसकी कॉस्ट को कवर करने के, तो अगर वो इससे ज़्यादा कवर सेल कर देती है दैट इज़ हिज प्रॉफिट। ब्रेक इवन एक पॉइंट होता है जिसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं उसके ऊपर का जो होता है हमारा प्रॉफिट होता है, कि इतनी हमने मैंने 50,000 काम को स्टार्ट करने की कॉस्ट लगाई, ठीक है, मैंने एक 50,000 का टारगेट सेट कर दिया, जब मेरा बिजनेस 50,000 को क्रॉस करेगा दैट इज़ माय ब्रेक इवन पॉइंट, जब मेरा पॉइंट हो जाएगा पार हो जाएगा उसके ऊपर होगा वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ब्रेक इवन एनालिसिस करके भी हम हमारे प्रॉफिट को एनालिस कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने बिजनेस में 50,000 लगाए, मुझे 80,000 70,000 90,000 आ रहे हैं, तो कितने परसेंट मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लाइक यहाँ पे लिखा है 40%, 50 लगाए 70 आए। फोर्थ वन इज़ ग्रोथ प्रॉफिट एनालिसिस मार्जिन, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल दिया कि कितने सेल हुए बाकी हमारा प्रॉफिट।
तो ये चार टेक्निक्स हैं जो हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्निक्स, अब बताना है कि टेक्निक्स कौन सी हैं क्वालिटी को मेजर करने के। क्वालिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, कस्टमर से फीडबैक ले सकते हैं, सर्वे करवा सकते हैं, प्रोडक्ट की अपने टेस्टिंग करवा सकते हैं लैब में या डिफरेंट कस्टमर से, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने जो परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स हैं लाइक जो डिलीवरी टाइम्स है, प्रोडक्ट की रिटर्न है, उनको अच्छा करना है कि लोग डिलीवरी मतलब टाइम पे मिले, प्रोडक्ट की रिटर्न ना कम से कम आए, तो की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करना, इनको चेक करना। फोर्थ वन इज़ बेंचमार्किंग, कंपेयर करना अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कॉम्पिटिटर्स की क्वालिटी के साथ। अब टेक्निक्स ऊपर तो हमने देखा कि कैसे मेजर कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के टेक्निक्स और उसके बाद क्वालिटी के टेक्निक्स को कैसे मेजर कर सकते हैं। अब उन टेक्निक्स को कैसे इन्हेंस करना है, प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस करने की क्या टेक्निक्स हैं, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक्स हैं। आप कॉस्ट कम कर सकते हो अपनी, अननेसेसरी खर्चों को कम करो, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाओ, अनस्पेलिंग और क्रॉस स्पेलिंग ना करो, इनकरेज करो कस्टमर्स को कि वो बाय और करें, कॉम्प्लीमेंट्री उनको प्रोडक्ट्स दो ताकि आपके रेवेन्यू इंक्रीज हो, इम्प्रूव करो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, जो भी आपका टाइम जिससे भी आपका पैसा और समय बचे उन चीज़ों को लाओ, एक्सपेंड करो मार्केट की रीच को, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक अपने आप को पहुंचाओ। और क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं कि आप क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम ला सकते हो जो कि ISO 9001 के थ्रू भी आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हो, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के मॉडल ला सकते हो, कस्टमर सेंट्रिक डिज़ाइन बना सकते हो यानी कि कस्टमर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे उनको चाहिए तो आप कंबाइन करके यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी और क्वालिटी, तो यहाँ पे एप्पल इंक टोयोटा की एग्जांपल दी गई है जिन्होंने इन चीज़ों का यूज़ किया था इन रियल लाइफ, ठीक है, कि प्रॉफिटेबिलिटी को पहले उन्होंने मेजर किया, देन उन्होंने क्वालिटी को मेजर किया और दोनों को इन्हेंस किया और बढ़ाया। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एक्सप्लेन थ्री मेथड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेथड्स बताने हैं कि फाइनेंशियल मेथड्स के थ्रू आप कैसे परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो और नॉन फाइनेंशियल के थ्रू कैसे। बहुत ईजी है, बस ध्यान से सुनते जाना। फाइनेंशियल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, फाइनेंशियल मेथड्स के कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं। फाइनेंशियल मेथड तो आपको पता है ना, मनी बेस होते हैं, ठीक है, तो इनमें फाइनेंशियल के थ्रू आप परफॉर्मेंस को कैसे मेजर कर सकते हो, यानी कि अपने अपने कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर्स को देख रहे हैं, लाइक आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे आप एनालाइज कर रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, अर्निंग पर शेयर कितना है, कितना कॉस्ट पे आपको बेनिफिट हो रहा है, ये सारे पैसों से रिलेटेड है। तो इनके थ्रू आप अपने प्रॉफिट्स को देख सकते हो, परफॉर्मेंस को देख सकते हो। तो फाइनेंशियल मेथड्स के थ्रू यहाँ पे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, ये कुछ कॉमन फाइनेंशियल मेथड्स हैं। नॉन फाइनेंशियल मेथड्स कौन से होते हैं, जो कि होते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कितना स्कोर है, एम्प्लॉयज़ की क्या प्रोडक्टिविटी है, कितने एम्प्लॉयज़ हमारे काम में एंगेज हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए तीन कोई भी मेथड बताओ, तो ऊपर दो क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमने पांच मेथड किए हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड, जो आप देख सकते हो कि ये एक मिक्स है जिसमें हम बता रहे हैं कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल को मेजर कर रहे हैं, कंप्लीट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट और मैनेजमेंट की, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन देखना और कस्टमर रिटेन रहे, जैसे हमने फाइनेंशियल का ऊपर देखा था। एग्जांपल देख लो, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि BSE का यूज़ करती है टू ट्रैक इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट मार्जिन्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑपरेशनल एंड एम्प्लॉयज ट्रेनिंग आवर्स। तो सिंपल है बिल्कुल ये तो यार, इसमें आप बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ कर सकते हो कि आपका स्कोर कार्ड क्या है। BSE एवेल्यूएट कर देगा आपकी परफॉर्मेंस को, ये BSE देखेगा इन चार चीज़ों को कि आपकी कितनी परफॉर्मेंस है, क्या आपका कस्टमर है, क्या इंटरनल प्रोसेस है, क्या लर्निंग एंड ग्रोथ है। तो इसके थ्रू, फर्स्ट मेथड के थ्रू, बैलेंस स्कोर कार्ड वाले मेथड के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप मेन चार फैक्टर कवर कर रहे हो, फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल और लर्निंग एंड ग्रोथ। सेकंड है आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, की परफॉर्मेंस इंडिकेट करेगा कि कुछ स्पेसिफिक मेजर प्रोग्रेस को टुवर्ड अ गोल, जो भी आपके गोल्स हैं वो आपके फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रिटेल स्टोर ने ट्रैक करनी है कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप उसकी एग्जांपल दे सकते हो। थर्ड है नेट प्रमोटर स्कोर, ये एक नॉन फाइनेंशियल मेट्रिक मेजर है जो कि कस्टमर की लॉयलिटी के बारे में पूछता है कि कितना आप रेकमेंड करते हो एक प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ, तो प्रमोटर क्या है। आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो कि जैसे होटल है वो यूज़ करता है इसका टू मेजर गेस्ट की सेटिस्फेक्शन को देखने के लिए, अगर NPS स्कोर करेगा लो तो होटल आइडेंटिफाई करेगा कॉमन कंप्लेंट्स एंड मेक करेगा उसमें इम्प्रूवमेंट।
अब परफॉर्मेंस को मेजर करने की क्या इंपॉर्टेंस है, आपके डिसीजन अच्छे होंगे, आप कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करोगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। रियल लाइफ की यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई हैं जिन्होंने इनका यूज़ किया, अमेज़ॉन, टोयोटा, गूगल। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की कंक्लूजन मिल जाएगी। अब आपको क्वेश्चन है गिव हिस्टोरिकल ओवरव्यू, एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू देना है कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हिस्टोरी में। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जैक्ट का एग्जैक्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आपको सब्जेक्ट है, थर्ड एग्जाम है जो आपका 29 को, उस सब्जेक्ट की वीडियो में भी करवाया है, जिसमें हमने एक सेंचुरी वाला क्वेश्चन किया था कि 19 सेंचुरी में ऐसा होता था, 20 सेंचुरी में ऐसा होता था। तो परफॉर्मेंस मेजर तब ही होगी ना जब हमारी इंडस्ट्रीज आई थी। तो क्या हिस्टोरिकल व्यू में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज थी? 19 सेंचुरी, 18 सेंचुरी हमारे इंडिया में इंडस्ट्री सेक्टर ही नहीं था, तो परफॉर्मेंस मेजर कहाँ से होती? तो आपको हिस्टोरिकल ओवरव्यू देना है गवर्नमेंट कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी आज के टाइम पे। पुराने टाइम पे तो ये था ही नहीं। तो यहाँ पे देखो अर्ली स्टेज क्या थी, प्री इंडस्ट्रियल ईरा, जब इंडस्ट्रीज होती ही नहीं थी, तो एक दूसरे के साथ ही एक दूसरे को कंपेयर करके देख लेते थे। बहुत सिंपल होती थी परफॉर्मेंस को मेजर करना। मर्चेंट और ट्रेडर मेजर करते थे एक दूसरे की सक्सेस को, प्रॉफिट और बेसिस देखते थे कि उनकी ट्रेड की क्या एक्टिविटी है। कोई स्ट्रक्चर, कोई मेथड, कोई टूल नहीं होता था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल होता था। इनका फोकस होता था कि हमने मिनिमम बुक कीपिंग करनी है। अर्ली एग्रीकल्चर सोसाइटी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करती थी, उनके प्रॉफिट के बेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद अब ऊपर हमने देखा जब हमारे यहाँ पे प्री इंडस्ट्रियल सेक्टर था, 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज आई, बिजनेसेस बड़े हुए और मुश्किल हुए। इसने बिगिनिंग की यहाँ पे कि फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जहाँ पे हमने ट्रैक किया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने बोल रही हूँ आपको ह्यूमन रिसोर्स में भी है। 20th सेंचुरी आई, उसके बाद रैपिड एडवांसमेंट आई हमारे सिस्टम में, बिजनेस मैनेजमेंट में। अर्ली 90s में ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न ईरा आया, 21st सेंचुरी, जहाँ पे परफॉर्मेंस को मेजर करना मल्टी डायमेंशनल हो गया, क्योंकि ग्लोबलाइज हो जाता है बिजनेस, हो गया था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। तो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू, क्योंकि बैलेंस स्कोर कार्ड आपको 1990s में इशू किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो कंबाइंड फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप यहाँ पे अपनी चेक कर सकते थे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है। तो मॉडर्न ईरा 21st सेंचुरी में बिजनेस की परफॉर्मेंस शुरू हुई। व्हाई कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस मेजर इज नीडेड, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को मेजर करना क्यों ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत चेंज हो चुका है, काफ़ी तेज़ी से दुनिया आगे भाग रही है, ताकि हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक पाएँ, इसलिए इसको कंपेयर करना ज़रूरी है, ताकि हम अपने गोल्स को टाइम से पूरा कर पाएँ, इसलिए इसका ज़रूरी है। हम नए नए चेंजेस को अडेप्ट कर पाएँ, इसलिए परफॉर्मेंस को मेजर करना ज़रूरी है। हमारे डिसीजंस को और इम्प्रूव कर पाएँ, इसलिए इसका ज़रूरी है। अपनी अकाउंटेबल, फिर से हेडिंग्स वही हैं, सस्टेनेबिलिटी। तो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, किन के थ्रू हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, एग्जैक्ट वही है, बैलेंस स्कोर कार्ड की परफॉर्मेंस, बिग डाटा, नेट प्रमोटर, कंक्लूजन है। एक क्वेश्चन हो रहा है, राइट अ डिटेल ऑन ईवीए मेथडोलॉजी ऑफ मेजरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस। का ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यूनिट 2 में भी सेम क्वेश्चन है। ईवीए क्या है, उसके आपको कुछ कंपोनेंट्स लिखने हैं उसमें। यहाँ पे ईवीए मेथडोलॉजी कैसे मेजर कर सकती हो आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को। ईवीए क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या है, कि कितनी वैल्यू आप अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है, जो कि डिटरमाइन करता है कि कंपनी क्या ट्रूली एक वैल्यूएबल मतलब बिजनेस क्रिएट कर रही है उसके शेयर होल्डर्स के लिए, या एम ही मार्केट में घूम रही है। तो अनलाइक ट्रेडिशनल प्रॉफिट मेजर्स, ई वी ए कंसिडर करती है कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल, जो भी कंपनी ने यूज़ की, बोथ चाहे इक्विटी है चाहे डेट है, सभी कॉस्ट को मेजर करती है। सो दिस मेक इट मोर कॉम्प्रीहेंसिव वे टू असेस बिजनेस परफॉर्मेंस। तो इसको और कॉम्प्रीहेंसिव बनाती है। तो वहाँ पे मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक सरप्लस है जो कि एक बिजनेस जनरेट करता है। जब भी उसने बिजनेस, जैसे बिजनेस ने एक इन्वेस्टर्स ने एक्सपेक्टेशन रखी कि बिजनेस में 50,000 लगाए हैं, 100,000 हो जाएंगे या 70,000 हो जाएंगे, उसके बाद जो भी सरप्लस जनरेट होगा, दैट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड।
EVA is the surplus जो कि generate किया जाता है by the business after meeting the expectation of its investor. Investor ने जो भी expect किया उसको meet करने के बाद जो भी extra amount होता है that is surplus और वो होता है हमारा economic value added. Simple term में बोला जाए तो ये show करता है कि company का profit exceed कर जाता है जितनी हमने company में cost invest की थी, capital invest की थी. जब उससे ज़्यादा हमारा profit exceed कर जाता है that is economic value added कि हमारे business में कुछ value add हुई है. Formula क्या है, जो भी हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स के बाद उसमें से हमने जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉय लगाई है उसको माइनस कर देना. तो NOPAT क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन आफ्टर द टैक्स एक्सक्लूड इंटरेस्ट. कैपिटल एम्प्लॉय क्या होता है, जो टोटल मनी इन्वेस्ट की गई है बिजनेस में. और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी के इन्वेस्टर्स की तरफ से. की फीचर्स क्या है कि हमें वैल्यू क्रिएशन में मदद करता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. फोकस ऑन इसका किसके ऊपर फोकस होता है कि वैल्यू और क्रिएट हो, कितनी वैल्यू एड होगी. इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से इसको देखता है, इनकरेज करता है इफेक्टिव रिसोर्स का इफेक्टिवली यूज़ हो. प्लस टू से यार ये पॉइंट पीछा नहीं छोड़ता कि इफेक्टिव यूज प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ करो. ये हम प्लस टू से बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन में पॉइंट घुसेर देते हैं. और देख लो एम कॉम का सब्जेक्ट करा रही हूँ अभी भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉइंट यहीं पे है. इसकी हेडिंग ये भी लिख सकते हो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या प्लस टू से करते आ रहे हैं हेडिंग. फोर्थ क्या है, रिफ्लेक्ट करता है हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंसेज के बारे में. क्यों इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वाइडली बिकॉज ये प्रोवाइड करता है हमें एक्यूरेट मेजर करके बताता है कि कितने अच्छे से कंपनी अपनी कैपिटल को बना रही है, उसका यूज़ कर रही है. ठीक है, अलाइन करता है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के साथ, परफॉर्मेंस के इंडिकेटर्स को देखता है, सपोर्ट करता है डिसीजन लेने में, अकाउंटेबिलिटी में ड्राइव करता है. तो कैसे इसको कैलकुलेट करना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ये स्टेप है. पहले आपको नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेना है. ठीक है, जब आप इसको निकालोगे उसके बाद आपको कैपिटल एम्प्लॉय को डिटरमाइन करना है, देन आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करना है, देन इस फॉर्मूला में इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है और अपना आंसर निकाल लेना है. एडवांटेज क्या है कि ये टू प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करता है, एफिशिएंट कैपिटल यूज़ को इनकरेज करता है, सपोर्ट करता है स्ट्रेटजी में, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करता है. लॉन्ग टर्म लिमिटेशन क्या है कि इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी कम्प्लेक्स होती है, इसका सिर्फ फोकस होता है फाइनेंशियल मैट्रिसेस पे, नॉन फाइनेंशियल चीज़ें नहीं देखता है. शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, डिपेंड करता है सिर्फ अजम्पशंस के ऊपर, अज्यूम कर लेता है. एग्जांपल है इसमें इन्फोसिस, कोका कोला, रिलायंस इंडस्ट्री, सारी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं. सो वाई इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज़ रेलिवेंट इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड, क्योंकि ये ग्लोबल कॉम्पिटिशन में ग्लोबली हमारी मदद करता है, ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, शेयर होल्डर्स की वैल्यू को एम्फेसिस करता है, सपोर्ट करते हैं कि हम सस्टेन कर पाएँ, इन्हेंस करता है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है. यहीं पर क्वेश्चन की कंक्लूजन और यहीं पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है. तो फ्रेंड्स उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस फुल कॉस्ट प्लस एंड मार्जिनल कॉस्ट. गाइज अब आप लोग ये मत बोलना कि दीदी इतने क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो. क्वेश्चन देखो अभी तक मुझे लगता है आधे घंटे की वीडियो आपने देखी है और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए. मतलब क्वेश्चन ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ और आपको ना मैं ये नहीं कहूँगी कि हर क्वेश्चन को लर्न करके जाओ, सिर्फ कंसेप्ट समझो और एक चीज़ याद कर लेना कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या टॉपिक लिखना है. टॉपिक अंदर आप खुद बना लोगे, इतना मतलब गप्पे लिख सकते हो, गप्पे वाला सब्जेक्ट है. पर जब आपको समझ आ जाएगा तब, जब आपने समझा नहीं है सिर्फ नोट्स मांग रहे हो तो फिर नोट्स की पीडीएफ इतनी लंबी तो याद करनी मुझे नहीं लगता मजाक है कोई, तो पीडीएफ नहीं लर्न होगी, लर्न करनी भी नहीं है. पॉइंट्स की हेडिंग देखो सिमिलर सी रिपीट हो रही है, तो कुछ हेडिंग्स हद से ज़्यादा पॉइंट्स, अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे टेक्निक्स मेथड्स इंपॉर्टेंस सभी हेडिंग सेम रिपीट हुई हैं. तो यही चीज़ें तो आपको देखनी, क्योंकि क्वेश्चन हर बार देखो जितनी बार हमने रीड किया क्वेश्चन हर बार अलग था, आंसर सब में मिलता जुलता है. तो चैप्टर क्योंकि पहला है, पहले चैप्टर के आंसर तो वही होंगे, आंसर्स तो बुक में वही हैं, कंसेप्ट घुमा के डालती है पीयू. अब अगला क्वेश्चन देखो, डिस्कस है कि फुल कॉस्ट प्लस और मार्जिनल कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है प्राइसिंग में. विच प्राइसिंग मेथड कैन बी यूजफुल टू अ फर्म अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस. फुल कॉस्ट प्लस क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, बहुत इजी है. फुल कॉस्ट मैं आपको समझा देती हूँ. प्राइसिंग पहले तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी बिजनेस का. जो भी प्राइस है प्रोडक्ट या सर्विस का, ये डिटरमाइन करते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, मार्केट डिमांड क्या होगी, कंपटीशन कितना होगा. सो अमंग द वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग और मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वाइडली बिजनेस में यूज़ होते हैं. तो इनके बारे में समझते हैं. फुल
तो फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इन्वॉल्व होते हैं इसमें डिटरमाइन करना कि प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करना, दैट इज़ अवर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हमारी इतनी कॉस्ट आई, द टोटल कॉस्ट जो भी इसकी होगी, उसमें ऑल फिक्स कॉस्ट जितनी भी उसकी फिक्स हैं, वेरिएबल हैं, ओवरहेड है, सारी कॉस्ट ऐड होंगी। लाइक इसका अगर हमने प्राइस निकालना है तो इसकी जो भी टोटल कॉस्ट है प्लस जितने परसेंट हम प्रॉफिट मार्जिन उसमें लेना चाहते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी उसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आई, लाइक जो भी मटेरियल लेबर फिक्स कॉस्ट लगी, वो जितना हमने प्रॉफिट डिसाइड किया, प्रॉफिट को ऐड कर देंगे हम हमारी टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट आई 100, प्रॉफिट हमने सोचा 20%, तो उसका सेलिंग प्राइस 120, दैट इज़ अवर फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। फुल कॉस्ट कितनी आई, प्राइसिंग उसमें हमने प्लस कर दी, तो टोटल 120 हमारी फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गई, दैट इज़ 120 हमारी। इसके एडवांटेज क्या है कि बिल्कुल सिंपल, ज़्यादा सिंपल है, सारी कॉस्ट को कवर करता है, प्रिडिक्टेबल प्रॉफिट्स होते हैं इसमें। लिमिटेशन क्या है कि ये मार्केट की कंडीशन को थोड़ा इग्नोर कर देता है, इनएफिशिएंट होता है डायनामिक मार्केट में। अब हमने अभी क्या देखा, सिंपल फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अब है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होती है, जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को हम ऐड करते जाएंगे, एडिशनल मार्जिनल के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार समझाया, मार्जिनल जहाँ लिखा आ गया ना, आपको समझ लेना है जितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड होंगे उसकी प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इन्वॉल्व डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय एडिंग अ प्रॉफिट मार्जिन। जितने मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स ऐड हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लास्ट लाइन देखो, प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट होगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। फॉर्मूला क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है प्लस हमारी परसेंटेज, कैसे वर्क करती है कि मैं पहले मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करूँ, जो भी कॉस्ट इंकर हुई है एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में, और उसमें एक्स्ट्रा परसेंटेज अपनी ऐड कर दो कि उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने पे आप इतना परसेंट प्रॉफिट लेना चाहते हो। मार्जिनल कॉस्ट 50 है, आपने सोचा कि मैंने इसके ऊपर 20% प्रॉफिट लेना है, तो टोटल आपका सेलिंग प्राइस हो गया 60। मार्जिनल पर यूनिट, जितना यूनिट पर यूनिट ऐड हुआ है उसके ऊपर होगा, ओवरऑल नहीं कि ओवरऑल हमने इतने प्रोडक्ट बनाए, नो सिंपल जो एडिशनल यूनिट ऐड हुआ है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में होता है, यूज़फुल होता है स्पेशल ऑर्डर्स के लिए जो स्पेशली ऑर्डर देके बनवाते हैं, और अवॉइड करता है फिक्स कॉस्ट एलोकेशन इश्यूज़ को। लिमिटेशन क्या है कि ये फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं करता है, रिस्क ऑफ लॉस होता है। तो यहाँ पे आप कंपैरिजन इजीली बता सकते हो, मुझे बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कंपैरिजन बहुत ईजी है इसका, ठीक है। तो वेन टू यूज़, कब हमें फुल कॉस्ट प्राइसिंग को यूज़ करना चाहिए, जब फुल कॉस्ट में क्या था, एडिशनल यूनिट वाला नहीं था, ठीक है। तो कब इसको यूज़ करना चाहिए, जब हमारी मार्केट की कंडीशन स्टेबल हो, मोनोपोलिस्टेड और रेगुलेटेड मार्केट्स हों, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हों, स्मॉल बिजनेसेस हों, ठीक है। और कब हमें मार्जिनल कॉस्ट प्लस को यूज़ करना चाहिए, जब कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, तो हम ईच एक्स्ट्रा यूनिट के लिए चार्ज कर सकते हैं, स्पेशल और बल्क ऑर्डर हों तब हम इसको चार्ज कर सकते हैं, थर्ड मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो तब हम इसको चार्ज कर सकते हैं, और पेरिशेबल हो प्रोडक्ट्स लाइक जो थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाते हैं, लाइक फूड वगैरह, उन पे चार्ज कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस बता दोगे कि दोनों की क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशंस है, तो कौन सा मेथड अकॉर्डिंग टू यू बेटर है, आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। हम बोल रहे हैं कि कोई भी मेथड बेटर नहीं है, डिपेंड करते हैं कि सिचुएशन क्या है। फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहाँ बेटर है, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म प्राइसेस कर लें, रेगुलेटेड मार्केट में, हमने ऊपर बताया, तो ठीक है सिंपल है। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कहाँ पे है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म प्राइसिंग हो रही है, स्पेशल ऑर्डर आ रहा है, कोई हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वहाँ मार्जिनल बेस्ट है। तो कंक्लूजन दे देंगे यहीं पर, और मैंने बहुत फास्ट आपको पढ़ाया है और यूनिट 2 पर ले आई हूँ, बट टॉपिक एक चैप्टर हमने ऊपर एक ही किया है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, चैप्टर जो किया ना एक ही किया है, बट मैंने भगाया है वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है हर बार आपकी, आपसे देखी भी नहीं जाती और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो यूनिट 2 के कुछ ही क्वेश्चंस है, बट मैंने कोशिश की है कि उनको भी अलाइन करूं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आपके लिए लाऊं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस हाउ परफॉर्मेंस गोल्स एंड इंसेंटिव्स शुड बी डिटरमाइंड, इसको डिस्कस करना है डिटेल में कि कैसे गोल्स और इंसेंटिव्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, कैसे परफॉर्मेंस गोल्स और इंसेंटिव्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, 2023 में आया था। सेकंड क्वेश्चन भी इसके जैसे ही, आंसर तीनों में सेम ही आना है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन परटेनिंग की कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस गोल और इंसेंटिव्स को
डिटरमाइन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंसीडरेशंस है, किनके थ्रू हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन कंपेयर करो, सेम है परफॉर्मेंस। हमने उनके डिटरमाइन करने के लिए क्या परफॉर्मेंस गोल्स और इंसेंटिव्स हमारे हो सकते हैं। 2020 में भी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेटिंग ऑफ परफॉर्मेंस गोल, और इसके गोल को सेट करने का क्या प्रोसेस है, ये आप क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो परफॉर्मेंस गोल्स और इंसेंटिव्स को। परफॉर्मेंस गोल्स एंड इंसेंटिव्स क्रूशियल होते हैं इंप्रूव करने के लिए एम्प्लॉय की मोटिवेशन, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो दीज टूल्स, ये टूल्स अलाइन करते हैं एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को विद द कंपनी मिशन, की एम्प्लॉय के ये एफर्ट है और कंपनी का ये मिशन है। तो इन दोनों के थ्रू एम्प्लॉय को ऐसे मोटिवेट करें, ऐसे रिवॉर्ड दें कि वो अच्छे तरीके से कंपनी के गोल्स को पूरा कर पाए। तो परफॉर्मेंस गोल्स को यहाँ पर पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि परफॉर्मेंस गोल्स क्या होते हैं, कि उनके गोल्स उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनके गोल सेट कर दिए गए। परफॉर्मेंस गोल्स आर मेजरेबल टारगेट्स जो कि एम्प्लॉयज़ या टीम्स को दिए जाते हैं कि आपको ये टारगेट अचीव करना है इस टाइम फ्रेम के अंदर। अब ऑब्वियस है उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे उसको वो गोल्स दिए गए। सो दीज गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन और उनको एक क्लियर एक्सपेक्टेशन देते हैं कि आपके आपसे हमें ये एक्सपेक्टेशन है तो इसको कंप्लीट करिए। कौन कौन से टाइप ऑफ परफॉर्मेंस गोल्स होते हैं, हम इंडिविजुअल गोल्स दे सकते हैं जिसमें हम इंडिविजुअल बंदे पे फोकस करेंगे, उसकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। टीम गोल्स हो सकते हैं, सेट अ ग्रुप वर्किंग टुगेदर टू शेयर ऑब्जेक्टिव। थर्ड, शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या टाइप्स हैं परफॉर्मेंस गोल्स के, हमने ये चारों टाइप्स बता दिए, ठीक है। अब हमने टॉपिक क्या अभी देखा कि अंडरस्टैंड करना है कि परफॉर्मेंस गोल्स क्या हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे इंसेंटिव्स को, कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं। इंसेंटिव्स होते हैं रिवॉर्ड जो हम देते हैं हमारे एम्प्लॉय को अगर वो कोई भी गोल को अचीव कर लेता है। इंसेंटिव्स मनीटरी भी हो सकते हैं, नॉन मनीटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो टाइप्स क्या है, मनीटरी इंसेंटिव्स आपको पता है, सैलरी वगैरह, नॉन मनीटरी की उसको अप्रेजल देना। तो स्टेप्स क्या हैं, अब हमने देख लिया कि ऊपर हमारे इंसेंटिव्स हमने देख लिए, ऊपर परफॉर्मेंस गोल्स और इंसेंटिव दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया। अब क्या स्टेप्स हैं, पहले देखेंगे कि परफॉर्मेंस गोल को डिटरमाइन करने के लिए क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम परफॉर्मेंस गोल्स को देख सकते हैं। पहले हम उनके गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन कर देंगे, नंबर वन स्टेप है। हम इंश्योर करेंगे कि गोल्स ऐसे सेट किए जाएं जिससे हमारे कंपनी का मिशन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। फिर हम स्मार्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे परफॉर्मेंस गोल्स को, कहेंगे कि फॉलो करो इस स्मार्ट क्राइटेरिया को, क्लियरली डिफाइन करेंगे कि उन्हें क्या अचीव करना है, ठीक है। थर्ड, फिर हम यहाँ पे स्टेप्स बताएंगे। थर्ड, हम कस्टमाइज करेंगे गोल्स फॉर डिफरेंट रोल, जैसे बंदे का अलग अलग रोल है। टेलर गोल्स टू मैच स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, उसके अकॉर्डिंग उनको गोल्स दिए जाएंगे। इन्वॉल्व किया जाएगा एम्प्लॉयज को गोल्स सेटिंग में, एम्प्लॉयज़ को डिस्कशन में बिठाया जाएगा कि ये गोल है, कमिटमेंट हो रही है, मोटिवेशन करेंगे उनको, और उनको बताया जाएगा कि आप ही इसके कंप्लीट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी जिम्मेवारी है कि गोल कंप्लीट होना चाहिए। मॉनिटर किया जाएगा गोल्स के काम, उनके काम को एम्प्लॉयज़ के मॉनिटर करेंगे, हम उनको फीडबैक देंगे, प्रोग्रेस में उनकी मदद करेंगे। अभी हमने क्या देखा कि परफॉर्मेंस गोल्स के क्या स्टेप है, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इंसेंटिव्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इंसेंटिव्स को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। पहले तो ये देखेंगे कि हमारा एम्प्लॉय किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है। सबसे पहले समझेंगे कि हमारे एम्प्लॉय की प्रेफरेंसेस क्या हैं, कि उसको इंसेंटिव फाइनेंशियल चाहिए, नॉन फाइनेंशियल चाहिए, किन चीज़ों से वो अच्छा फील करता है, बोनस मांगता है या रिकॉग्नाइज होना पसंद करता है। स्टेप नंबर टू, हम उसके लिए एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इंसेंटिव क्रिएट करेंगे। हम लिंक करेंगे जो भी उसको इंसेंटिव देना है उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के साथ, उसको जैसे कहते हैं लालच देना, उसको बोलेंगे कि तू ये टास्क कंप्लीट कर, तेरा ये इंसेंटिव पक्का। तो बैलेंस करना इंडिविजुअल और टीम इंसेंटिव को, इंडिविजुअल को क्या देना है, टीम को क्या देना है, ऑफर करना उनको कुछ नॉन मनीटरी इंसेंटिव, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ बेनिफिट्स दोनों के लिए, कि बेनिफिट्स क्या है, कि अगर आपने परफॉर्मेंस गोल को वेल डिफाइन किया है या इंसेंटिव को वेल डिफाइन किया है, क्या बेनिफिट्स होंगे। आपकी मोटिवेशन इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी और बढ़िया होगी, आपकी एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन इन्हेंस होगी, बेटर अलाइनमेंट होगी गोल्स के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ, और इनकरेज होगी उनकी स्किल डेवलपमेंट। चैलेंजेस क्या आते हैं गोल्स को सेट करने और इंसेंटिव को सेट करने में, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कुछ लोगों की, ठीक है, अनरियलिस्टिक होती है, एम्बिटी होती है कि गोल्स में एम्बिटी है, यानी कि
वैग्यू गोल्स लीड टू कन्फ्यूजन, जिसकी वजह से कुछ गोल्स की वजह से कन्फ्यूजन या लैक ऑफ डायरेक्शन हो जाती है. सो सोल्यूशन क्या है कि आप उनको क्लियरली बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है. थर्ड, फेवरिज्म इन रिवॉर्ड, उनको रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाने, नेग्लेक्टिंग टीम एफर्ट्स को निग्लेक्ट करना. और एग्जाम्पल्स क्या हैं, आपको सेल्स टीम की एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल काफ़ी सारी हैं, कस्टमर सर्विस टीम की है, सॉफ्टवेयर की है, तो आप इसको रीड करें. कंक्लूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो रहा है कि एक्सप्लेन द गोल सेटिंग थ्योरी. गोल सेटिंग, गोल को कैसे सेट करना है उस थ्योरी को एक्सप्लेन करो डिटेल में. और लोक एंड लेथन, फाइव प्रिंसिपल्स बताने हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है. गोल सेटिंग थ्योरी क्या होता है? गोल सेटिंग थ्योरी एक कंसेप्ट है जिसमें आपका फोकस होता है कि आपने गोल्स को सेट करना है, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर्स की मोटिवेशन और बढ़े, उनकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो, चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे ग्रुप है. तो ये ऊपर ना क्वेश्चन में आपको नाम दिया हुआ है कि इसको डिस्कस करना है अलॉन्ग विद लोके एंड लेथमस, है ना. तो ये मतलब इसके डेवलपर का नाम है. तो डेवलप्ड बाय एडविन लोके, और इसके बाद इसको आगे मतलब कंटिन्यू किया था कि दूसरे बंदे ने जिनका नाम का लास्ट वर्ड था लेथमस, ठीक है. तो आप लोग रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर. डेवलप्ड बाय एडविन लोकने एंड 1968. तो आप इसके सिर्फ एक लाइन लिखनी है, बाकी बिल्कुल ईजी है, बाकी गप्पे हैं. तो थ्योरी सजेस्ट करती है आपको क्लियर और चैलेंजिंग गोल, आपको प्रॉपर फीडबैक देती है, बताती है कि कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है. ये थ्योरी आपको सजेस्ट करती है कि मोटिवेशन ही एक रास्ता है कि जिसके थ्रू आप गोल्स को डायरेक्टली अचीव कर सकते हो, क्लैरिटी मिलेगी आपको गोल्स को, डिफ़िकल्टी सॉल्व होगी और स्पेशली गोल्स आपके इम्प्रूव होंगे. तो पीपल्स जो गोल को अचीव करना चाहते हैं, अगर वो उनको गोल वेल डिफाइंड होगा, उनको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, तो वो इजीली उसको अचीव कर पाएंगे. तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्यों गोल सेटिंग इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि गोल सेटिंग की वजह से आप को गोल सेट किया होगा तो आप फोकस होके अपना काम कर पाओगे. आपको पता है आपका ये गोल है, आप मोटिवेट होके काम कर पाओगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे. जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, इसके नोट्स, हाय भगवान, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है, क्या करवाना है. अभी भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद भी, क्योंकि कंसेप्ट तो ईजी था, आपको समझा दिया मैंने अपनी भाषा में, पर इसमें से कोई भी, मेरी गारंटी नहीं है पेपर में क्वेश्चन कौन सा आएगा, मैं सच में बता रही हूँ. क्योंकि आप मेरे ऊपर बंदूकें लेके चढ़ जाओगे कि पेपर अच्छा नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चैप्टर बहुत से हद से ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. बट मैंने उसमें से बेस्ट सोल्यूशन निकाला है आपके लिए, जितना हो सके ईजी से ईजी करने की कोशिश की है. और कोशिश है कि हर यूनिट से एक क्वेश्चन तो आपका मैं निकाल पाऊँ, बट वो अब आप मेरी बातें कितनी सुन रहे हो, अगर आप रट्टा मार के जा रहे हो, मुझे नहीं पता क्या आप लोग करने वाले हो. क्योंकि आधे से बच्चे ज़्यादा नोट्स ही देखते हैं, सिर्फ वीडियोस कम देखते हैं, तो फिर उस सिचुएशन में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ओके, क्योंकि पेपर मैंने सेट नहीं करना है यार, सिंपल बात है, ठीक है. उसके बाद आपकी यहाँ पे कमिटमेंट्स है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है. अब लोक एंड लेथे जो इसके जिन्होंने इसको डेवलप किया, इस प्रिंसिपल को गोल सेटिंग के, उन्होंने कोई फाइव प्रिंसिपल्स बताने हैं कि गोल सेटिंग करने के उनके क्या फाइव प्रिंसिपल्स थे. उन्होंने ऐसे कौन से फाइव प्रिंसिपल्स सेट किए कि जिससे आपके गोल्स इजीली हो जाएंगे, परफॉर्मेंस है बहुत इजी है. पहला, गोल्स में क्लैरिटी, कि जो भी आपने फर्स्ट प्रिंसिपल था उनका कि क्लैरिटी होनी चाहिए. जो भी आप गोल्स डिसाइड कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, दैट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफाई कि हमें तुमसे ये उम्मीदें हैं, इस पे खरे उतरना है, ठीक है. तो ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब गोल क्लियर होंगे तो कन्फ्यूजन कम होगी, आप फोकस ज़्यादा कर पाओगे. सेकेंड प्रिंसिपल था कि चैलेंज. गोल ऐसे सेट होने चाहिए जो कि आपको एक इंडिविजुअल बंदे को चैलेंज करे कि भाई और हार्डवर्क कर, तू और अच्छा कर सकता है, तू इसको भी अचीव कर सकता है. तो आपको जब तक कोई चीज़ इजी होगी तो आप कुछ अच्छा करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स नहीं दोगे. वही लिखा है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है. क्यों मैटर करते हैं? क्योंकि चैलेंजिंग गोल होंगे तो आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, ठीक है. आप अच्छी परफॉर्मेंस करोगे, आप कुछ ना कुछ नया निकालोगे. थर्ड प्रिंसिपल था क्या? कमिटमेंट यानी कि पीपल आर मोर लाइकली टू अचीव गोल्स इफ़ दे आर पर्सनली कमिटेड. अगर वो खुद बंदा कमिट करता है कि मैं इसको कंप्लीट करूँगा, तो वो खुद उस पर ज़्यादा एफर्ट्स लगाएगा. जैसे मैंने ये कमिट कर दिया था कि मैं सभी क्लासेस के लिए वीडियो लाऊंगी, अब चाहे मैं मर रही हूँ जी रही हूँ, मतलब सबको वीडियोस चाहिए ही चाहिए, है ना. तो ये कमिटमेंट जब हम कर देते हैं, फिर हम दिन रात नहीं देखते. मैं रात रात को जाग जाग के, मतलब सुबह के 5-5 बजे तक जागती रहती हूँ और वीडियोज़ बनाती रहती हूँ. और आप लोगों की डिमांड्स होती हैं, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ. जैसे मतलब आपने ऑर्डर किया और शेफ़ ने आपके लिए खाना बना दिया, वो चीज़ें आपके लिए वीडियोज़, है ना. आप ऑर्डर मार देते हो, दीदी ये बना दो, दीदी ने जैसे जादू करके बना देनी है, टाइम लगता है यार. सो यहाँ पे आपको बताया कि जब कमिटमेंट की होती है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की है, मैं फंसी पड़ी हूँ, है ना,
तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट की है तो आप अच्छे से करोगे और कोशिश करोगे कि इम्प्रूव कर पाओ। जब आपको मतलब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझा रहा हूँ, फीडबैक चलो, फीडबैक फोर्थ प्रिंसिपल उनका क्या था कि फीडबैक लो, कि कंटिन्यूस फीडबैक उनको मदद करेगा इंडिविजुअल को कि वो अपने ट्रैक पे रहे। जैसे आप मुझे फीडबैक देते रहते हो कि आपने दीदी वीडियो बहुत अच्छी बनाई, हमारा पेपर उसी में से आया है ना, तो मुझे वो ट्रैक पे रहने पे मदद कर देगी, मैंने ट्रैक से उतरना नहीं, मैंने आपके लिए वीडियोस और बनानी है। अगर फीडबैक नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या पेपर में आ रहा है, तो मैं अगली बार से एफर्ट करने उतने ही मेरे कम हो जाएंगे। तो जितना फीडबैक आता जाएगा मुझे अच्छा लगता जाएगा, वो मेरा अंदर से मोटिवेशन बूस्ट होता जाएगा। मुझे मोटिवेट करना सब आप लोगों के हाथ में है, जितना मोटिवेट कर दोगे अच्छी वीडियोस आ जाएंगी उतनी। बट मेरी कोशिश अभी भी यही है कि मैं आपके लिए इजी कंसेप्ट रखूं, टफ ना हो कि आपको पेपर में समझ के जाना पड़े, लर्न ना करना पड़े। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या लाया उन्होंने, टास्क कम्प्लेक्सिटी, कि जो आपको टास्क दिया जाए वो मुश्किल हो, ठीक है, गोल सेट किया जाए उसको मुश्किल हो, गोल्स ऐसे डिज़ाइन किए जाएं जो आपको कम्प्लेक्स सिचुएशन में डालें, थोड़ा कम्प्लेक्स लेवल हो उसमें जिसको सॉल्व आपको करना पड़े। जैसे आपको मैथ की प्रॉब्लम दे दी हो, ठीक है, तो आपको एडिशनल रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, टाइम लगेगा, तो वो आपके लिए होना चाहिए जिससे आप कुछ नया सीख पाओ। एक क्वेश्चन और है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वाला क्वेश्चन यूनिट टू में भी है, ईवीए वाला, इसके कुछ कंपोनेंट बताने हैं, तो ईवीए वाला ऊपर वाला यहाँ पे आप लिख सकते हो, ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू एडेड क्या है, मार्केट वैल्यू एडिड की कितनी वैल्यू एड हुई। जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडिड है, वैसे मार्केट वैल्यू एडिड भी है, ये एक वे है मेजर करने का कि हाउ मच वैल्यू, कितनी वैल्यू कंपनी ने क्रिएट की है या डिस्ट्रॉय की है इसके शेयर होल्डर्स के लिए। ये शो करती है डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी की कितनी वर्थ है, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी, कि कितनी हमने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। हमने कंपनी में 50 लाख लगाया, क्या आज हमारी कंपनी की मार्केट में वैल्यू 1 करोड़ की है या 10 रुपये की रह गई। तो ये वो शो करती है कि मार्केट में कितनी वैल्यू ऐड हुई। तो कैसे कैलकुलेट करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी माइनस टोटल कैपिटल जितनी हमने इन्वेस्ट की थी, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि अगर हमारी मार्केट वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो कंपनी ने एक वैल्यू क्रिएट की अपने शेयर होल्डर्स के लिए, अगर वो नेगेटिव है तो कंपनी लॉस में है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल दे सकते हो। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट वैल्यू एडेड हमें एक कंपनी की शो, कंपनी की परफॉर्मेंस शो करती है, मेजर करती है कि कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, ठीक है। और यहीं पे क्वेश्चन मैंने कर दिया है वाइंड अप, चैप्टर हो चुका है, मैंने कर दिया है ख़त्म। प्लेलिस्ट हमारी जो भी प्लेलिस्ट बोल लो यार जो भी बोल लो, वीडियो कर दिए यहीं पे हमने वाइंड अप। तो मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाई, मैंने फास्ट बोला, बट अगर आप लोग फास्ट देख चुके हो, स्लो देखना चाहते हो, वीडियो की स्पीड कम कर लिया करो, स्लो भी चल पड़ेगी वीडियो। मेरे को फास्ट बोलना इसलिए होता है, मेरे को अगला लेक्चर अभी रिकॉर्ड करना है, इसके बाद बीकॉम के बच्चे भी मेरा सिर खा रहे हैं, उनको भी वीडियो चाहिए। तो बस यही है आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, बट मैंने कोशिश की है, बट गारंटी किसी की नहीं है, किसी भी वीडियो की नहीं, मैं आपको बार बार बोली क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।